शहीद संदीप जाधव के साथ ही शहीद सावन माने को भी देश ने आज आखिरी सलाम किया। ये एक सैनिक के परिवार का ही जज्बा हो सकता है कि जब छोटे भाई सावन को अंतिम विदाई दी जा रही थी, तब बड़ा भाई ये ललकार रहा था कि सावन माने चला गया तो क्या हुआ, सागर माने दुश्मन को दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। और सैनिकों के इसी हौसले को सम्मान देने के लिए आज पूरा हिंदुस्तान मैदान में है। देश आज अपने दो वीर सपूतों को अंतिम विदाई दे रहा है। 22 जून को पुंछ में बैट आतंकियों के हमले में महाराष्ट्र के औरंगाबाद के साथ ही कोल्हापुर के गोगावे गांव में तिरंगे में लिपटे अपने शहीद सावन माने को अंतिम विदाई देती भीड़ से सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रहा है, भारत माता की जय और शहीद जवान अमर रहें। अपने शहीद जवान की शहादत को लेकर हर हिंदुस्तानी में गुस्सा है पाकिस्तान के इस कायराना हरकत पर। और ये एक शहीद परिवार का ही हौसला हो सकता है कि एक बेटे का अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरा बेटा दुश्मन से बदला लेने का दम दिखा रहा है। अभी 6 साल हो गए सर्विस उसकी, भर्ती हुआ था, और अब शहीद हो गए। लेकिन ये नहीं समझना कि मैं छोड़ दूंगा, एक एक को भगा भगा के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। बस यही कहना चाहता हूँ, सावन माने गया लेकिन सागर माने अबे पीछे है भगा के मारने के लिए। जांबाज सावन माने के पिता बालूक माने भी सेना से रिटायर हुए हैं। बालूक माने के दो बेटे और एक बेटी हैं। सावन के बड़े भाई सागर भी सेना में हैं। 28 मार्च 2013 को वो 15वीं मराठा बटालियन में शामिल हुए। 6 महीने पहले मेरा बेटा मेरे से मिलके, मतलब मेरे छुट्टी काट के छुट्टी पे आया था, और उसके बाद हमने वो शादी के बारे में उससे बात किया तो पापा बोला मैं आऊँगा, छुट्टी आऊँगा, जब छुट्टी आऊँगा तब आपको निकलूँगा तो बताऊँगा। लेकिन नहीं,